हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। शनिवार को दिल्ली और गोहाना के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। गोहाना में पूर्व विधायक किताब सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। बीते दिनों किताब सिंह का निधन हुआ। सीएम एक हफ्ते में तीसरा दिल्ली दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज गुरुग्राम दौरे पर हैं। वहीं आज वो फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर बंदवाड़ी फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। जानकारी दे दें कि फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद लोगों को जाम से निजात मिलेगी। हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 1609 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें गुरुग्राम में 381 तो करनाल में 214 नए केस मिले। अंबाला में 212, जींद में 30 नए मामले सामने आए। बात करें पंचकुला की तो यहां 59 नए मामले मिले हैं। वहीं यमुनानगर में 83 नए केस मिले। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 9 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं अब तक 3164 मरीजों की मौत हो चुकी है और हरियाणा में कुल 2,92,409 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामकुमार गौतम को फेफड़ों में इंफेक्शन की शिकायत थी, जिसके चलते उन्हें एडमिट करवाया गया। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। अब किसान गर्मी की तैयारियां कर रहे हैं। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान ट्रॉलियों में ही गर्मी की व्यवस्था करके पहुंच रहे हैं। ट्रॉलियों में ही किसान फाइव स्टार की तरह कमरा बनाकर सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। एक ट्रॉली पर 1.5 से 2 लाख तक का खर्च हो रहा है। अभी तक सिंगू बॉर्डर पर करीब 20 ट्रॉलियां पहुंच चुकी हैं। पंजाब के किसान ही नहीं, हरियाणा के किसान भी तैयार करवाकर पहुंच रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां सरकार हर किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा देगी। भिवानी में दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरण समारोह में पहुंचे दलाल ने कहा कि सरकार किसानों की सरसों और गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी। वहीं फसलों की खरीद को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि सरसों, गेहूं और चने की खरीद शुरू हो गई है। वहीं कई जगह खरीद शुरू न होने पर उन्होंने कहा कि अभी गेहूं की कटाई शुरू न होने के चलते गेहूं की खरीद नहीं हो रही। साथ ही कहा कि जे फार्म कटने के 72 घंटे तक किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो जितने दिन लगेंगे उतने दिन का 9% ब्याज दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल असम के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने असम की बरखेतरी सीट के लिए भी प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। प्रदेश में गुरुवार से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए मंडी प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। सिरसा मंडी विपणन अधिकारी चरण सिंह गिल ने बताया कि जिले में इस बार कुल 59 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 13 सिरसा, 16 कालावली, 15 खरीद केंद्र डबोवाली में बनाए गए। पहले दिन गेहूं की आवक नहीं हुई है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों के मुताबिक अगले सप्ताह तक गेहूं की आवक सुचारू रूप से शुरू होने की संभावना है। फिर भी गेहूं की सरकारी रेट के लिए मार्केट कमेटी ने समुचित प्रबंध किए। सरसों खरीद की बात करें तो सरकार की ओर से सरसों का एमएसपी 4,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया, लेकिन इस बार किसानों को सरसों का भाव एमएसपी से अधिक करीब 5,000 प्रति क्विंटल प्राइवेट खरीद से मिल रहा है। एमएसपी की खरीद के लिए पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसानों की फसल की खरीद किए जाने के लिए मंडी प्रशासन की ओर से सभी पुख्ता प्रबंध का दावा किया गया है। हरियाणा सरकार ने कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है, लेकिन अनाज मंडियों में सरकार के उस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। गोहाना अनाज मंडी की बात करें तो अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंची। आलम यह है कि मंडी में साफ सफाई, किसानों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उधर एक किसान सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण में लापरवाही के चलते परेशान होकर मार्केट कमेटी ऑफिस का चक्कर काट रहा है। सोनीपत जिला के 23 अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। खरीद के पहले ही दिन कम किसान जो है सरसों अनाज मंडी लेकर पहुंचे। सरसों और गेहूं अनाज मंडी में लेकर जो किसान पहुंचे उनकी संख्या कम दिखी।
मंडी प्रशासन ने किसानों के लिए पूरी व्यवस्थाओं का दावा किया था, लेकिन जब जायजा लिया गया तो पाया गया कि पीने के पानी के लिए तीन स्थान बनाए गए थे, जहां एक जगह की पानी की व्यवस्था सही से मिली। ये खबर सोनीपत की मंडी की। सरकार के आदेशों के बाद कल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई, हालांकि अभी तक मंडियों में गेहूं आना शुरू नहीं हुआ। प्रशासन की ओर से खरीद को लेकर तैयारियां पूरी हैं। कैथल की अगर हम बात करें तो यहां की मंडी में किसी प्रकार की गेहूं खरीदने के लिए तैयारी नहीं की गई। कैथल में ना तो आढ़तियों को अभी तक इसके लिए बारदाना मिला है, ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। मंडी में शौचालय और सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं। अभी तक मंडी में पुरानी जीरी पर पड़ी हुई है आढ़तियों का। अभी तक सरकार की पॉलिसी आढ़तियों के पास नहीं आई कि हम किस तरह से खरीदेंगे या क्या मजदूरी दी जाएगी, कैसे लदान होगा। आज से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, माफ कीजिएगा, बीते कल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पाने की वजह से खरीदी हो नहीं रही है। पूरे मामले को लेकर ललित कुमार का कहना है कि सरकार ने दावा किया था कि किसानों के पास मैसेज भेजकर बताया जाएगा कि उनकी फसल जल्दी से जल्दी कब तक मंडी में पहुंचाई जाए। अभी तक किसानों के पास सरकार का मैसेज खरीद फरोख्त को लेकर नहीं पहुंचा। वहीं युवा आढ़ती अमित मंगला का कहना है कि फसल को आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, फसल आने के बाद ही खरीद का काम शुरू होगा, चूंकि कई किसानों की फसल अभी पकी नहीं है। करनाल अनाज मंडी में अभी तक किसान अपनी फसल को लेकर नहीं पहुंच रहे। गेहूं खरीद की तैयारी तो है, पर खेतों में गेहूं की कटाई न होने की वजह से मंडी खाली है। करनाल में गेहूं के खरीद के 32 केंद्र बनाए गए। सरकार की आधी अधूरी तैयारियों के चलते किसानों को पहले दिन अपनी फसल बेचने में बहुत परेशानियों से जूझना पड़ा। लू में 4, पुनहना में 172 किसानों के गेट पास काटे गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायुक्तों के साथ मीटिंग की, जिसमें कई कार्यों की समीक्षा की गई। इस मीटिंग में सीएम ने स्वामित्व योजना, ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन जमाबंदी और जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में समीक्षा लेते हुए इन सभी विषयों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की मीटिंग में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामित्व योजना के तहत अधिकारियों से कहा कि यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत हमें बेहतर समन्वय के लिए कार्य करते हुए, बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए लाभार्थी को इसका फायदा दिलवाना है। लोहारू के ओबरा गांव की 25 वर्षीय शिक्षिका के अपहरण के मामले में नया खुलासा हुआ। गुरुवार को पुलिस ने युवती को रेवाड़ी जिले से बरामद कर लोहारू कोर्ट में सीआरपीसी 164 के तहत बयान करवाया। मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि लापता युवती को रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा से बरामद किया गया। जांच में पाया गया है कि युवती का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मर्जी से जयपुर गई थी। उसके बाद युवती दिल्ली की बस में सवार होकर धारूहेड़ा पहुंची थी। बहरहाल पुलिस ने अदालती कार्रवाई के बाद युवती को परिजनों के हवाले कर दिया है। डीएसपी ने यह भी बताया कि युवती के साथ कोई वारदात नहीं हुई। करनाल में प्रशासन ने मीन बाजार में दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर बैन लगा दिया, जिसके बाद इस फैसले को लेकर दुकानदार नाराज दिखे। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा, इसलिए गुरुवार को दुकानदारों ने इस फैसले का दुकान का आधा शटर बंद करके विरोध जताया। दुकानदारों से प्रशासन ने अपील की कि वो दोपहिया वाहन की परमिशन दे। दुकानदारों ने प्रशासन से यह अपील की ताकि दुकानों पर ग्राहक आ सके। गोलाचीका में ट्रक यूनियन में प्रशासन की ओर से कराए गए निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को लेकर ट्रक यूनियन के लोगों में रोष लगातार बढ़ रहा है। आए दिन ट्रक यूनियन के लोग जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के इशारे पर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। ट्रक यूनियन का कहना है कि प्रशासन द्वारा निर्माणाधीन धार्मिक स्थल तोड़कर उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया है। अगर प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई करनी थी तो उन्हें पहले नोटिस के माध्यम से अवगत करवाते। ट्रक यूनियन के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा उन्हें इस तरह का कोई भी नोटिस या कार्रवाई के लिए कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे में अब ट्रक यूनियन के लोग प्रशासन को गेहूं के सीजन के दौरान ढुलाई के लिए गाड़ियां नहीं देने का ऐलान कर चुके हैं। कैथल में आज लघु सचिवालय में भट्टा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों की मांग है कि 21 जनवरी से मजदूर लगातार काम धंधा खोकर प्रशासन के दरवाजे पर चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
इनकी मांग है कि महंगाई के मुताबिक मजदूरी बढ़ाई जाए, साथ ही जो सरेआम श्रम कानूनों की अवहेलना की जा रही है उस तरफ ध्यान देते हुए श्रम कानूनों की रक्षा की जाए। गर्मी की शुरुआत होते ही पीने के पानी की समस्याएं शुरू हो गई, इसके चलते कॉलोनी वासियों को परेशानियां ज्यादा पेश आ रही है। गुरुवार को रोहतक की रैनकपुरा कॉलोनी वासियों ने सड़क को जाम कर दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग हर घर को हर रोज पानी देने का दावा करता है, लेकिन उनके घरों में सरकारी नल से पानी नहीं आ रहा। बिजली का बिल न भरने की वजह से सफीदों के थाना सिटी और सदर थाने का कनेक्शन काट दिया गया है। बता दें कि दोनों ही थानों का बिजली बिल चौंकाने वाला है। सिटी थाने का बिल 8 लाख और सदर थाने का बिल 1.5 लाख रुपए का आया था, लेकिन बिल न भरने की वजह से बिजली विभाग ने दोनों थानों का कनेक्शन काट दिया। प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने एक बार फिर नेशनल्स में हरियाणा का नाम रोशन किया। श्रीनगर में आयोजित 5वीं सब जूनियर पेंसिल स्लैट नेशनल चैंपियनशिप में भिवानी के 4 खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया। हरियाणा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ियों ने एक गोल्ड समेत चार पदक जीते। भिवानी पहुंचने के बाद इन खिलाड़ियों का फूल मालाओं के साथ रंग गुलाल के साथ स्वागत किया गया। और कल से वैक्सीनेशन का 4था चरण शुरू हो चुका है। देश भर में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाकर 4थे चरण की शुरुआत कर दी गई है। आपको बताएं कि प्रदेश के सभी सामान्य अस्पताल में निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप। इसके लिए कोई भी एक पहचान पत्र अनिवार्य है। बता दें कि वैक्सीनेशन के समय सीमा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की रखी गई है। फतेहाबाद में भी गुरुवार से 45 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को कोरोना का वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया। 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को स्वास्थ्य विभाग फतेहाबाद के द्वारा कोरोना बचाव का टीका लगाया गया। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिरसा जिले के 2 स्कूलों के 5 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए अंबाला बार एसोसिएशन ने कोर्ट को जरूरी मामलों को छोड़ बाकी मामलों की सुनवाई के लिए 1 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 127वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने गुरुवार को शहीद भगत सिंह स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आगे की रणनीति बताते हुए कहा कि 3 अप्रैल को मिट्टी सत्याग्रह नाम से चल रही यात्रा सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंचेगी। आजादी के बाद और पहले जिन जिन जगहों पर किसान आंदोलनों के दौरान शहादतें हुई हैं वहां की मिट्टी लेकर यह यात्रा पहुंचेगी। पंजाब से मिट्टी इकट्ठा करने के बाद 6 अप्रैल को यात्रा सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर संपन्न होगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को एफसीआई गोदामों का घेराव किया जाएगा, 10 अप्रैल को केएमपी को 24 घंटे के लिए जाम करेंगे। प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े दावे करती है। सोनीपत के गांव सांदल खुर्द की बात कीजिए। प्राथमिक विद्यालय टीचरों के अभाव में बंद होने की कगार पर है। यहाँ 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए महज 1 ही शिक्षिका है। नारनौल में पंचायत घर पर डिपो होल्डर ने अतिक्रमण किया। डिपो होल्डर ने शिलान्यास के पत्थर को भी तोड़ दिया। पंचायत घर पर लगाया खुद के नाम का बोर्ड। आज से केजीपी का सफर महंगा हो गया है, यानी अगर आप कहीं भी आने जाने के लिए केजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि केजीपी पर कार का 15 रुपए तो ट्रक का 100 रुपए टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। एनएचएआई ने टोल टैक्स बढ़ाने की सूची 1 अप्रैल से पहले ही जारी कर दी थी, क्योंकि 1 अप्रैल से यह बढ़ा हुआ किराया वसूला जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को राहत दी गई है, क्योंकि कुंडली टोल प्लाजा किसानों ने फ्री कराया हुआ है। कुंडली की तरफ से आने जाने वाले वाहनों को बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद अगर कोई कुंडली के मुख्य टोल प्लाजा से पलवल तक कार लेकर जाता है तो उसे अब 225 की जगह 240 रुपए टोल टैक्स की अदायगी करनी होगी। और ठीक ऐसे ही अगर ट्रक की हम बात करें, अगर वो 415 देते थे तो अब उन्हें 515 देने होंगे। ग्वाना सिटी पुलिस ने अवैध रूप से जुड़ा हुआ
जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान के बाहर खाली प्लॉट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 टीमें गठित कर सभी को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,17,380 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी गैम्बलिंग एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए युवक सभी गुहाना और आसपास के गांव के ही रहने वाले हैं। रेवाड़ी के गांव रामसिंहपुरा में लोग इन दिनों कूड़े के ढेर से निकलते हुए धुएं से परेशान हैं। दरअसल रेवाड़ी शहर धारूहेड़ा नगर पालिका और बावल नगर पालिका का कूड़ा इकट्ठा होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के पास मौजूद गांव रामसिंहपुरा के नजदीक खाली जगह पर लाकर डाल दिया जाता है। पहले तो आसपास के गांव के ग्रामीणों को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि शहर का कूड़ा लाकर उनके गांव के नजदीक क्यों डाला जा रहा है, जिस उनको बीमारियों का भी डर रहता था, लेकिन अब ये कूड़ा सुलग रहा है। चलिए बात तो शाम की, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने लकड़ी सप्लाई करने वाले वाहनों को जब्त किया। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई इस कार्रवाई के क्षेत्र के आरा संचालकों और लकड़ी सप्लाई करने वाले लोगों में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए उप निरीक्षक सतपाल सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम को काफी दिनों से अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई के बारे में खबर मिल रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया गया। हादसे में बुधवार को पुलिस ने कैफे एंड पार्टी हॉल पर रेड कर 2 महिलाओं समेत कैफे संचालक को गिरफ्तार किया। अन्य 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। महिला थाने के एसएचओ पुष्पा सिहाग ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि एसडी महिला कॉलेज के सामने रोड पर कैफे एंड पार्टी हॉल पर पिछले कुछ दिनों से गलत काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कैबिन से महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया। रोहतक में गुरुवार सुबह जज्जर रोड पर कन्हेली गांव के पास ओवरब्रिज से पीजीआई के कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। आत्महत्या या फिर हत्या करके शव लटकाया गया, यह जांच का विषय है। पीजीआई थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। थाना प्रभारी राजू सिंधु ने बताया कि मृतक की पहचान सेक्टर 2 निवासी आकाश दहिया के रूप में हुई है, जो पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में काम करता था। राहगीरों ने शव को लटका देखा और पुलिस को खबर की। मृतक के गले से खून निकल रहा था। पानीपत के गांव बबैल में जमीनी विवाद के चलते 2 चचेरे भाई हवालात में बंद थे। गुरुवार को हवालात में दोनों में फिर से झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। पंचायत अधिकारी सत्यवान को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल सरपंच ने शिकायत दी थी कि ग्राम पंचायत की तरफ से गांव में लगभग 60,00,000 रुपए के विकास कार्य करवाए गए, जिसके तहत गलियों का निर्माण करवाया जा चुका है। पानीपत से महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता एक मामला सामने आया। पानीपत में मंजुले इतने बेखौफ हैं कि छात्राओं को परेशान करने से भी नहीं डरते। जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक 9वीं की छात्रा को एक मनचले ने स्कूल के गेट के बाहर ही पकड़ लिया और बात ना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। जब बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो छात्रा को सुरक्षा के साथ उसके घर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक छात्रा के भाई का ही दोस्त है। चरखीदादरी में कोर्ट की तारीख भुगतकर घर जा रहे कार सवार 6 युवकों पर फायरिंग कर दी गई। दरअसल बाइक में सवार 6 नकाबपोश हमलावरों ने युवकों पर फायरिंग की। इस दौरान दादरी के चंद्रपाल को 2 गोलियां लग गई, जिसे इलाज के लिए चरखीदादरी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरे मामले को लेकर फायरिंग में घायल चंद्रपाल ने बताया कि वो कोर्ट की तारीख भुगतने के बाद घर जा रहा था, अचानक 2 बाइकों पर सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रॉकी हत्याकांड के बाद फरार चल रहे फरीदाबाद जिले के 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में फैसरावली निवासी विनोद उर्फ बिन्नी और राहुल उर्फ नन्नू, पलवल के चांदहट निवासी अजीत और तिगांव निवासी कपिल का नाम शामिल है। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद है, इतने कि वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने से भी नहीं डरते। ताजा मामला गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक के सी ब्लॉक का, जहां चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की है।
पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका परिवार खाना खाने के लिए बाहर गया था। इस दौरान चोरों ने घर में घुसकर लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया, ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, चंपत हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि चोरी की वारदात के चार दिन बाद भी चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। यमुनानगर से युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक को जमकर पीट रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने पीड़ित युवक को बचाया। मामले में अभी पुलिस के पास कोई भी शिकायत नहीं आई। नूह के नगीना होडल मार्ग पर एक दुकान के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दुकान निर्माण के लिए नींव की खुदाई चल रही थी, इसी दौरान बराबर में खड़ी 20 फीट की दीवार अचानक गिर गई, तीन मजदूर दबे। भिवानी में आदर्श महिला महाविद्यालय के ग्राउंड में अज्ञात कारणों के चलते सूखे घास फूस और लकड़ियों के ढेर में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। राय के प्रतमपुरा गांव में 2 एकड़ गेहूं की फसल में आग लगी, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। किसानों ने बिजली विभाग पर लगे लापरवाही के आरोप लगाए। कोरोना वायरस के स्रोत की जांच करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विशेषज्ञों के दल ने उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला था। उत्तरी म्यांमार के कचिन अल्पसंख्यक गुट के छापामार लड़ाकों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस घटना को सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे हैं। इटली ने जासूसी के आरोप में रूसी दूतावास के 2 अधिकारियों को निष्कासित करने और इतावली नौसेना के कैप्टन को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि राजधानी रोम के बाहरी इलाके में पैसे के बदले गोपनीय जानकारी एक रूसी अधिकारी को देते समय इतालवी कैप्टन को पकड़ लिया था। कोरोना वायरस के मद्देनजर 11वीं जूनियर महिला हॉकी नेशनल्स को टाल दिया गया। हॉकी इंडिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पहले यह टूर्नामेंट 3 से 12 अप्रैल के बीच झारखंड में प्रस्तावित था। बेनिन के 5 खिलाड़ियों को मैच शुरू होने से ठीक पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव घोषित किया गया, जिसके बाद बेनिन का सियरा लियोन के खिलाफ होने वाला अफ्रीकन कप नेशंस फुटबॉल प्रतियोगिता का क्वालिफाइंग मैच रद्द कर दिया।